If you are looking for a best smartphone under 30,000 rupees, then watch this video because it will help you 100%. And hello guys, I am Sima and you are watching TechTuber Simba. और आज के इस वीडियो में मैं लेके आ गई हूँ 3 ऐसे स्मार्टफोन जो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएंगे अगर आपका बजट 30,000 रुपीज है. और यहाँ पर मैं इंडिया के मोस्ट फेवरेट जो 3 ब्रांड्स है, Xiaomi, Realme एंड Samsung, तीनों में से मैंने एक एक स्मार्टफोन को पिक किया है 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में. और यहाँ पर ये वीडियो मैंने बनाया है. और ये लिस्ट में मैंने 3 ही स्मार्टफोन इसलिए चूज किए बिकॉज मुझे पता है कि अब जब भी हम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं वो टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि आजकल मार्केट में काफी सारे स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होते हैं. हर दिन एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होके आ जाता है. तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 स्मार्टफोन को पिक किया हुआ है जो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके गाइस, तो इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं रियलमी के X2 Pro हमें मिल जाता है 29,999 रुपीज में. वैसे तो हमें यहाँ पर 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं लेकिन इस प्राइस में 30,000 की प्राइस में हमें 8GB 128GB का वेरिएंट मिल जाता है जो बहुत ही एक अच्छी बात है. और इस फोन का मेन हाईलाइट फीचर है इसका प्रोसेसर, वो है Qualcomm Snapdragon 855 Plus प्रोसेसर. तो एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपको देगा डेफिनेटली, एक बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस है और 30,000 की प्राइस में आपको मिलता है तो एक बहुत ही अच्छी बात है ये Realme X2 Pro की, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर पिक किया हुआ है. और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हमें और एक हाईलाइट फीचर मिल जाता है. इस फोन के अंदर हमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर 90Hz का, तो हमें एक बहुत ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है इस फोन के अंदर. और बाकी अगर इसके डिस्प्ले के साइज की बात करें तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और साथ में हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. तो बहुत ही एक बढ़िया हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है यहाँ पर Realme X2 Pro के डिस्प्ले के अंदर. Realme X2 Pro के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं 3D कर्व्ड ग्लास बॉडी और इसके ऊपर हमें फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी दोनों साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है. तो बहुत ही एक प्रोटेक्टेड फोन हो जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के होने की वजह से. और यहाँ पर हमें इसके अंदर मेटल फ्रेम देखने को मिलता है तो लुक वाइज ये फोन डेफिनेटली हमें बहुत ही पसंद आता है. तो ये फोन को आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो. Realme X2 Pro आता है 8.7mm के थिकनेस के ऊपर और 190g का यहाँ पर वेट देखने को मिलता है. और इसके ऊपर हमें प्रोटेक्टिंग कवर जो है वो साथ में मिलता है लेकिन उसको लगाने के बाद फोन जो है वो थोड़ा सा बल्की हो जाता है. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आपको स्लिम फोन चाहिए तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद डिसाइड कर सकते हो. इस फोन के एक डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट नहीं मिलता है, सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है. SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पर मिसिंग है तो अगर आपको और एक्सपांडेबल मेमोरी चाहिए तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा लेकिन मेरे ख्याल से 128GB जो है वो भी एक इनफ स्टोरेज हो जाता है. और ऊपर से LPDDR4X का RAM सपोर्ट और UFS 3.0 का हमें सपोर्ट मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी RAM मैनेजमेंट के अंदर भी. तो एक बहुत ही एक अच्छा फ़ोन हो सकता है ये आप लोगों के लिए. और कैमरा की अगर बात करें तो हमें बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पर प्राइमरी कैमरा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वो है 64MP का जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है सैमसंग GW1 सेंसर, 13MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, 8MP का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है और 2MP का पोर्ट्रेट. फ्रंट में हमें 16MP का कैमरा मिल जाता है सेल्फी कैमरा वाटर ड्रॉप नोच के साथ. और रियलमी के स्मार्टफोन के कैमरास की अगर बात करें तो आई एम पर्सनली यूजिंग रियलमी XT एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट्स पिक्चर क्वालिटी कह लो या फिर वीडियो क्वालिटी कह लो. मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं रियलमी के स्मार्टफोन से जो भी पिक्चर्स निकल के आते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते.
सकते हैं। तो कैमरा के मामले में बहुत ही अच्छा फ़ोन है रियलमी का, ये रियलमी एक्स टू प्रो। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमें मिल जाती है यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिल जाता है 50W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, टाइप सी के साथ आता है ये, और ये 35 मिनट में ही 100% फ़ोन को चार्ज कर देता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो। सो ये था रियलमी एक्स टू प्रो। इसके की फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें हमें फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है विथ 90Hz रिफ्रेश रेट, तो बहुत ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकंड थिंग, इसके अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, वो भी 30,000 की प्राइस सेगमेंट में, तो एक बहुत ही अच्छा आपको ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड थर्ड थिंग, इसके अंदर हमें 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, चार्जर मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स ही, तो आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ की फीचर्स है रियलमी एक्स टू प्रो के। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में रेडमी के 20 प्रो। शाओमी का रेडमी के 20 प्रो को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो इसकी प्राइस है 27,999 रुपीज़, और इसमें हमें 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिल जाता है 28,000 रुपये की कीमत में, तो इसका भी अच्छा एक आपको ऑप्शन मिलता है ये भी, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें हमें मिल जाता है प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, ये भी ऑफकोर्स एक पावरफुल प्रोसेसर है, तो इसके लिए आपको 28,000 रुपीज़ देने होंगे, और इसका प्लस वाला जो वर्ज़न है इस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस, उसके लिए अगर आपको जाना है रियलमी की तरफ तो इसके लिए आपको 2,000 रुपये ज़्यादा देने होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से 28,000 में ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें भी हमें 3D कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, और फ़ोन के फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी दोनों में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो प्रोटेक्शन वाइज ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और सेल्फी के लिए हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा यहां पर मिलता है जो फेस अनलॉक के टाइम भी काम आता है, तो अगर आपको एक पॉपअप सेल्फी वाला फोन चाहिए तो इसको डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। और नोटिफिकेशन लाइट हमें यहां पर मिल जाती है ऊपर की तरफ, जो एक बहुत ही एक अच्छा यहां पर इफेक्ट देती है इस फोन को। बाकी इस फोन के डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले यहां पर फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 6.39 इंच का, और स्क्रीन टू बॉडी रेशो यहाँ पर हमें 91.9% तक का देखने को मिल जाता है। और ये फ़ोन भी रियलमी एक्स टू प्रो की तरह हमें थोड़ा थिकनेस ज़्यादा मिलती है इस फ़ोन के अंदर भी, 8.7 mm की थिकनेस पर है ये फ़ोन भी, और इसका वेट भी इसका भी ज़्यादा है, 190 ग्राम का वेट है इसका, तो ये फ़ोन भी थोड़ा सा बल्की होने वाला है। अगर आपको स्लिम फ़ोन चाहिए तो आप इसको एक बार स्टोर में MI स्टोर में जाके चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हो इस फोन को। फोन के बैटरी की अगर बात करें तो इसमें भी हमें मिलता है 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और फोन सपोर्ट करता है 27W के फास्ट चार्जिंग को, लेकिन यहाँ पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स 18W का चार्जर मिलता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा, 1.5 घंटे के अंदर फोन को 100% जो है वो चार्ज कर देता है, तो आपको अलग से परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी काफ़ी क्विक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो अच्छे से चार्ज इसको कर देता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। बाकी अगर फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो हमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है सोनी IMX586 का सेंसर, तो सोनी के सेंसर से भी काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स आते हैं, तो फोटोग्राफ्स इसके अंदर भी हमें अच्छे खासे मिल जाते हैं। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा देखने को मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का हमें टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है बैक साइड में। और फ्रंट साइड की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पॉपअप सेल्फी कैमरा हमें फ्रंट साइड में मिलता है जो है 20 मेगापिक्सल का, तो फ्रंट से भी काफी अच्छे फोटोग्राफ्स निकल के आते हैं। ओके, सो रेडमी के 20 के अगर की फीचर्स की बात करें तो हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, तो काफी कूल लगता है स्मार्टफोन अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला हो, तो एक कूल सी फीलिंग आ जाती है, तो इसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और सेकंड थिंग, अगर आप शाओमी के फैन हो, रेडमी ब्रांड आपको अच्छा लगता है, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और मेन बात, आपको 8GB 256GB वेरिएंट मिलता है 28,000 की प्राइस में, तो आपको स्टोरेज के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
फोन में आपको जो भी जितने भी गेम्स वगैरह डाउनलोड करने हो, गेम्स वगैरह खेलने हो, तो वो टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रैम मैनेजमेंट आपको अच्छा मिलेगा, MIUI 11 पर रहेगा ये स्मार्टफोन, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी यूज करने को मिलेंगे। वेल नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आता है सैमसंग A71, जो एक रिसेंटली लॉन्च हुआ फोन है। 29999 इसकी प्राइस है, 8GB 128GB एक ही वेरिएंट में मिलता है। हाँ, कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन वेरिएंट एक ही मिलता है यहाँ पर, जो एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से। जो ए सीरीज जो रहती है वो ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा बिकती है, तो इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात, हमें इस बार सैमसंग के स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर भी एक पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आपको सैमसंग ब्रांड अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वैसे हम अगर फोन के डिजाइन की बात करें तो ग्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें ग्लास का बैक नहीं मिलता है, ग्लास्टिक ग्लास एंड प्लास्टिक का जो मिक्सचर रहता है वैसा कुछ डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलता है। 3D कर्व्ड में हमें फोन मिलता है और ये फोन काफी स्लिम है। बाकी दो फोन मैंने आपको बताया उनसे, ये जो सीरीज है ए सीरीज, वो टॉल एंड स्लिम में अच्छे खासे सेगमेंट में जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जो स्मार्टफोन है वो बाकी के दो रेडमी K20 प्रो और रियलमी X2 प्रो से थोड़ा सा स्लिम देखने को मिलेगा और लाइट वेट भी होगा ये फोन। जिसमें हम डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कहा जाता है इन डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी अच्छा है। ऑब्वियसली सैमसंग का स्मार्टफोन है तो डिस्प्ले इसके डेफिनेटली अच्छे ही रहते हैं। कलर्स वगैरह जो है वो एमोलेड डिस्प्ले का बहुत ही अच्छा रहता है, तो कलर वाइज या फिर डिस्प्ले वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे इन स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन डिस्प्ले के ऊपर हमें सिर्फ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली एक स्क्रीन गार्ड लगा के ही इसको यूज करना है, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आई डोंट थिंक इतना अच्छा रहेगा आपके स्मार्टफोन के लिए। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो बैटरी यहाँ पर मिलती है 4500 mAh की, और यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स हमें 25W का फास्ट चार्जिंग का चार्जर मिल जाता है, तो जो डेफिनेटली आपके फोन को बहुत ही स्पीड में चार्ज करके देता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 75 मिनट के अंदर ही इस बड़ी सी बैटरी को जो है वो चार्ज कर देगा, और डेफिनेटली ये बैटरी जो है वो आपको 1 से 2 दिन आराम से चल जाएंगे। सो बैटरी वाइज ये फोन काफी अच्छा है और डिस्प्ले वाइज भी ये फोन मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा है। और सैमसंग का स्मार्टफोन है तो डिजाइन इसकी बहुत ही अच्छी है। बैक साइड में हमें रेक्टेंगल शेप में क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। कैमरा वाइज सैमसंग के फोन में आपको बता दूं बहुत ही सुपर क्लास होते हैं। जहां पर हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, यहां पर सैमसंग भी 64 मेगापिक्सल कैमरा 48 मेगापिक्सल कैमरा वाली रेस में आ चुका है, और 64 मेगापिक्सल कैमरा यहां पर हमें देखने को मिलता है बैक साइड में। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हमें बैक साइड में देखने को मिलता है। और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है पंच होल डिस्प्ले के अंदर, तो बहुत ही एक अच्छे इफेक्ट देता है इस फोन को पंच होल डिस्प्ले। इसके अलावा दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, डेडिकेटेड माइक्रो SD सिम कार्ड स्लॉट इसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये बात भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट को आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और सैमसंग के स्मार्टफोन की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि वो बॉक्स के अंदर हमें हेडफोन देता है। सैमसंग ऐसी ब्रांड है जो हमें बॉक्स के अंदर हेडफोन भी प्रोवाइड करता है, तो 3.5 mm जैक वाला हमें हेडफोन मिल जाता है इस फोन के साथ। और इस फोन के की फीचर्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमें बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर मिल जाता है 25W का, फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें केस मिल जाता है, और ऊपर से हमें हेडफोन भी मिलता है। और इस फोन का मेन हाईलाइट फीचर जो है वो है इसका कैमरा 64 मेगापिक्सल का, क्योंकि सैमसंग के कैमरास की जो इमेज प्रोसेसिंग रहती है वो बहुत ही एक बेहतरीन मानी जाती है, तो कैमरा वाइज ये फोन आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। और ओवरऑल अगर
कहूँ मैं आपको, तो आपको एक सैमसंग ब्रांड आपको अच्छी लगती हो तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। सो गाइज, ये थी लिस्ट हमारी 30,000 प्राइस में 3 बेस्ट स्मार्टफोन मैंने आप लोगों को बताए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।